भारत विकास परिषद की अलवर शाखा द्वारा पूरे उल्लास के साथ फागोत्सव मनाया गया। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए नई कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न कराए गए। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्र गीत से किया गया। शाखा अध्यक्ष चयन भार्गव ने स्वागत भाषण के माध्यम से सभी का अभिनंदन किया। सचिव दिलीप गोयल ने सदन को सत्र 2020-21 की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। इसके बाद राष्ट्रीय सचिव अशोक मित्तल ने चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में सत्र 2021-22 के चुनाव संपन्न करवाए। शाखा की साधारण सभा द्वारा सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का हर्ष ध्वनि के साथ निर्विरोध चुनाव किया गया। होली मिलन फागोत्सव कार्यक्रम के संयोजक आशा मित्तल, नीना सोनी, वंदना गोयल, वैशाली जसोरिया, शिप्रा कटारिया व अनुराधा चौहान ने बेहद ही मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। अनेक मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिनमें रंग दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और गुलाल दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में होली के गीतों पर सभी सदस्यों ने सामूहिक नृत्य के साथ फागोत्सव का समापन किया। शाखा के प्रवक्ता गिरीश गुप्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि परिषद की राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं शाखा स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे शाखा के सदस्यों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का प्रभावी संचालन रमन सोनी ने किया। कार्यक्रम में रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता, प्रांतीय महिला प्रमुख डॉक्टर कुमकुम कपूर, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख सुरेश मेठी, प्रदीप गोयल, रमेश चंद्र अग्रवाल, शाखा कोषाध्यक्ष चंद्रकांत मामोडिया, उमा शंकर गुप्ता, रामचंद्र अग्रवाल सहित शाखा के अनेकानेक सदस्यों की गरिमामय सहभागिता रही।